लेटेस्ट जीकेएम 8.7 का जो बिल्ड है हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया है रेडमी नोट 11 डिवाइस के ऊपर। एंड यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है गूगल कैमरा 8.7 का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं। प्लस यहाँ पर हमने रेडमी नोट 11 डिवाइस के साथ जो है काफी फोटो को क्लिक किया है, तो यहाँ पर फोटो सैंपल भी मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सबसे पहले ये जो जीकेएम का जो डाउनलोड लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस जीकेएम को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर हमने जो है MIUI के साथ जो है ये जो जीकेएम 8.7 का जो बिल्ड काम कर रहा है, प्लस पर सैमसंग वन UI, ऑक्सीजन OS, कलर OS एंड यहाँ पर कस्टम रोम के साथ भी गूगल कैमरा 8.7 का जो बिल्ड काम कर जाएगा। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने जो है जीकेएम 8.7 वर्जन 13 का जो बिल्ड इंस्टॉल किया है BSG करके डेवलपर की तरफ से, ये जो जीकेएम का जो बिल्ड देने को मिलेगा। एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13 एंड एंड्रॉयड 14 के साथ ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम कर जाएगा। अगर बात करिए पर क्या क्या नया फीचर्स को ऐड किया गया है, सबसे पहले यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो है मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर कैमरा एंड पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। तो यहाँ पर देख पाओगे फोकस के ऊपर नियर फार इन्फिनिटी का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, तो यहाँ पर मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से अवेलेबल है इस जीकेएम के साथ भी ऐड किया गया है। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ भी यहाँ से आप जो है नियर फार इन्फिनिटी तरह से यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड के साथ भी यहाँ पर मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से काम कर सके इसे भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर जो है HDR मोड के ऊपर जो है फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप जो है HDR मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप HDR मोड के ऊपर फ्रेम को इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर जो फोटो सेव होने में टाइम लगेगा, बट फोटो के साथ जो काफी बढ़िया क्वालिटी देने को मिल जाएगा। प्लस सैचुरेशन फिक्स का ऑप्शन है एंड जो व्हाइट बैलेंस करेक्शन का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर आपको इस जीकेएम के साथ जो काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर कुछ फोटो क्लिक किया है रेडमी नोट 11 डिवाइस के साथ, देखते किस तरह से जो फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा इस गूगल कैमरा 8.7 के साथ। तो यहाँ पर इस जीकेएम के साथ जो कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलता है, पर इस जीकेएम के साथ जो काफी हद तक आपको यहाँ पर वाइब्रेंट कलर देने को मिल जाएगा सभी कैमरा लेंस के साथ। हमने यहाँ पर जो है काफी फोटो को क्लिक किया है इस जीकेएम के साथ, यहाँ पर जो है मैक्रो प्लस अल्ट्रा वाइड एंड सेल्फी के साथ जो है नॉइस है उसे रिड्यूस किया गया है। देखिए पर कुछ इस तरह से यहाँ पर जो फोटो क्वालिटी देने को मिलता है, प्लस जो यहाँ पर शेडो है एंड जो कलर है उसे भी इम्प्रूव किया गया है सभी लेंस के साथ। एंड यहाँ पर जो है अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ फोटो को क्लिक करने के दौरान आप जो है HDR एनहांस मोड को एनेबल कर सकते हो, प्लस ऑटो वाइड बैलेंस को एनेबल करने के बाद आपको काफी हद तक जो है एक्यूरेट कलर देने को मिलेगा, नेचुरल कलर देने को मिल जाएगा फोटो के साथ, जैसे हमने नोटिस किया है। प्लस यहाँ पर जो है जो वाइट बैलेंस काफी बड़ी तरीके से काम करता है एंड यहाँ पर आपको बेटर कलर विद बेटर डिटेलिंग देने को मिल जाएगा फोटो के ऊपर, देख सकते हो काफी बढ़िया आपको यहाँ पर नेचुरल कलर देने को मिलेगा, लेस नॉइज देने को मिलता है फोटो के साथ एंड जो डिटेलिंग है काफी बढ़िया है। एंड इस जीकेएम को एज ए डेली ड्राइवर यूज कर सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। प्लस काफी हद तक नेचुरल कलर देने को मिलता है, प्लस कोई भी ग्रीन टिंट का इशू देने को नहीं मिलेगा इस जीकेएम के साथ। एंड यहाँ पर लो लाइट फोटोग्राफी के लिए आप सिंपली एस्ट्रो मोड यूज कर सकते हो, एस्ट्रो मोड के साथ आपको काफी बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा। जो EIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम करता है, EIS का जो ऑप्शन से काम करता है, डेफिनेटली आपके डिवाइस को इस जीकेएम को ट्राई करके देखो, आपको काफी बढ़िया इस जीकेएम के साथ जो है फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। प्लस आप ब्लर भी देख पाओगे काफी बढ़िया है, डेफिनेटली आप इस जीकेएम के साथ जो काफी बढ़िया बढ़िया फोटो को क्लिक कर सकते हो, कुछ इस तरह से इस जीकेएम के साथ जो है फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा। बाकी आपको फोटो क्वालिटी कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बोल सकते हो। अगर बात करें पर फीचर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है, सबसे पहले इस जीकेएम के साथ जो है ऑलमोस्ट सभी डिवाइस के ऊपर ये जो जीकेएम का जो बिल्ड काम कर जाएगा, रेडमी, शाओमी, पोको, वन प्लस, ओप्पो, वीवो,
सभी डिवाइस के साथ जो है ये जो जीकैम का जो बिल्ड काम करते काफी बढ़िया बात है। प्लस पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। जब भी आप पहली दफा इस जीकैम को डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करोगे तो पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन है एनेबल हो जाएगा, तो आपको अलग से मल्टीपल लेंस को एनेबल नहीं करना होगा। यहाँ पर अल्ट्रावाइड लेंस काम करता है, प्लस पर मैक्रो लेंस भी काम कर जाएगा, प्लस यहाँ पर जो है मेन लेंस भी काम कर रहा है, तो यहाँ पर मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन काम करता है। कुछ इस तरह से आप जो है जीकैम 8.7 के साथ जो है जो जूम स्लाइडर का जो यूआई है देने को मिलता है, पर 10x तक जूम का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बाकी यहाँ पर जो है फोकस का ऑप्शन है एंड यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है। ऑटो वाइड बैलेंस को एनेबल करने के बाद आपको यहाँ पर जो है एक्यूरेट कलर देने को मिलता है। पर HDR एनहांस मोड का ऑप्शन है। HDR मोड के ऊपर जो फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, जिसके साथ जब काफी बढ़िया फोटो को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर टॉप शॉट का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर बेसिकली मोशन फोटोज का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पर टाइमर का ऑप्शन है, 3 सेकेंड 10 सेकेंड का ऑप्शन है, फ्लैश का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन है, पर 16:9 प्लस 4:3 का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। पोर्ट्रेट मोड की अगर बात करें, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो है यहाँ पर फोकस के ऊपर नियर फार इन्फिनिटी का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है, ऑटो वाइड बैलेंस के साथ एक्यूरेट कलर देने को मिलेगा। यहाँ पर HDR एनहांस मोड का ऑप्शन है। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के साथ जो आप सिंपली 45 तक HDR एनहांस मोड के साथ जो है फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर जो है फेस रिटचिंग का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। पर टाइमर का ऑप्शन है, फ्लैश का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा एंड पोर्ट्रेट मोड के साथ जो 1.5x तक जूम का जो ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। अगर बात करें पर नाइट साइड मोड के बारे में, पर नाइट साइड मोड के साथ जो है पर फोकस के ऊपर नियर फार इन्फिनिटी मैनुअल फोकस का ऑप्शन है। यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, एस्ट्रो फोटोग्राफी के साथ जो है ऑटो ऑन ऑफ का ऑप्शन है, तो यहाँ पर एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन से काम करते हैं। प्लस यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर नाइट साइड मोड के ऊपर जो है 40 तक HDR एनहांस मोड के साथ जो फ्रेम को इंक्रीज करने का ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर टाइमर का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, 3 सेकेंड 10 सेकेंड तक ऑप्शन है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में। यहाँ पर जो है वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, पर 4K 8K फुल HD तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो बाय डिफॉल्ट 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है अवेलेबल है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है तो यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो है 8K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। यहाँ पर ऑटो FPS, 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS का ऑप्शन है। इवन अगर आप चाहो तो यहाँ पर मल्टीपल लेंस से भी वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। अल्ट्रावाइड लेंस के साथ भी वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। टाइम लैप्स के ऊपर ऑटो 5x, 10x, 30x, 120x का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर जो है 4K एंड 8K टाइम लैप्स का जो ऑप्शन है इसे भी ऐड किया गया है। अगर बात करें पर स्लो मोशन के बारे में, तो यहाँ पर स्लो मोशन का जो ऑप्शन है Redmi Note 11 डिवाइस के साथ काम कर जाएगा। अगर आपके डिवाइस के ऊपर स्लो मोशन का जो ऑप्शन है काम नहीं कर रहा है, सिंपली यहाँ पर स्टॉक कैमरा को यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर पैनोरामा एंड फोटो एक्सपोर मोड को ऐड किया गया है। अगर आप जीकैम के साथ जो है 360 फोटो को क्लिक करना चाहते हो, ये जो फोटो एक्सपोर मोड का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। बाकी यहाँ पर पैनोरामा का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। बात कर लेते किस तरह से पिक्सल 7 प्रो का जो कैमरा फीचर से उसे किस तरह से एनेबल करते। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में आने के बाद जो इस ऑप्शन में जाना होगा। उसके बाद इंटरफेस में जाके जो है पिक्सल 7 प्रो सिलेक्ट करना होगा। पिक्सल 7 प्रो सिलेक्ट करने के बाद गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करना होगा। गूगल कैमरा को रीस्टार्ट करने के बाद जो है यहाँ पर जो सिनेमेटिक ब्लर वीडियो का जो ऑप्शन है एनेबल हो जाएगा, जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता है। प्लस यहाँ पर जो है 10-bit HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से एनेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पर वीडियो स्टेबलेशन के ऊपर स्टैंडर्ड लॉक एक्टिव सिनेमेटिक पैन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो वीडियो स्टेबलेशन का जो ऑप्शन से काम करता है। एंड यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो है पर मैक्रो फोकस का जो ऑप्शन से एनेबल हो जाएगा पिक्सल 7 प्रो का जो ऑप्शन उसे सिलेक्ट करने के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर जो है सेव लोकेशन का ऑप्शन है, कैमरा साउंड को डिसेबल करने का ऑप्शन है, गूगल लेंस का जो सजेशन है ऐड किया गया है, सोशल शेयर का ऑप्शन है, गेस्ट का ऑप्शन है, पर डिवाइस स्टोरेज का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर देख पाओगे कितना मिनट तक वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे, कितना फोटोज क्लिक कर सकते हो। एडवांस सेटिंग्स के ऊपर जो है HDR कंट्रोल का ऑप्शन है। प्लस यहाँ पर जो है फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन है, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड एंड यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ भी काम कर जाएगा, इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर रॉ फोटोज का ऑप्शन है। यहाँ पर जो है
HEVC फॉर्मेट के साथ जो वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे इसमें ऐड किया गया है। यहाँ पर एनेबल टाइम लैप्स फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी एंड यहाँ पर टाइमर लाइट का जो ऑप्शन है काम कर जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, ग्रिड टाइप का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर जो है इस तरह से ग्रिड टाइप का जो ऑप्शन है काम करेगा। यहाँ पर मैनुअल कंट्रोल के ऊपर जो है आप सिंपली इस ऑप्शन के साथ जो है ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट कर सकते हो। ऑटो नाइट साइड मोड का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। यहाँ पर सेफ सेल्फीज एस प्रीव्यू का ऑप्शन है, मिरर फोटोज का जो ऑप्शन से काम करता है। यहाँ पर वीडियो स्टेबलेशन का ऑप्शन है, EIS OIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। ऑडियो जूम का ऑप्शन है, इस ऑप्शन को एनेबल करने के बाद वीडियो के बैकग्राउंड में जो भी नॉइस रहेगा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा जूम इन करने के बाद। प्लस डेवलपर सेटिंग्स को ऐड किया गया है। डेवलपर सेटिंग्स के साथ अब जो है नए नए फीचर्स को एनेबल कर सकते हो जो कि बाय डिफॉल्ट एनेबल नहीं रहता है। जैसे कि यहाँ पर 8K 60fps वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है जो कि आपको डेवलपर सेटिंग्स में देने को मिलेगा। प्लस यहाँ पर जो है लिफ फाइल का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर XML फाइल का ऑप्शन आप सिंपली गूगल कैमरा 8.7 के साथ जो है लिफ फाइल प्लस XML फाइल को भी इंपोर्ट कर पाओगे, इसे भी ऐड किया गया है। तो अब डेफिनेटली गूगल कैमरा 8.7 को ट्राई करके देखो आपके डिवाइस के ऊपर एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।